नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार महिलाएं, पुरुष, छात्र व छात्राएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा का आखिर माहौल किस तरीके का, वो यही बयान करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में हमारे साथ सेफ्टी थी। एक और महिला हमारे साथ, एक बहन जुड़ी है, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम? प्रभजोत कौर। क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएशन। मैम, आप एक पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह आते हो, क्या कारण है? मतलब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अगर हम अपने एरिया में देखें, हम यहाँ पर आते हैं, हमारा घर जो है आसपास के घरों से बहुत ज़्यादा मतलब सही है। ना हमारे घर में कोई नशा करता है, ना कोई और कोई बुरा काम। मतलब इस हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर आके खुशी मिलती है, हम मतलब बुरी आदतों से बचे हुए हैं यहाँ पर आके। मैम, गुरुजी पे विश्वास है आपका? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कुछ दिया है गुरुजी ने जो आप कहते हो आज भी आपका विश्वास है? सारा कुछ ही दिया। अगर यहाँ पर आज बैठे हैं तो हम सिर्फ गुरुजी की वजह से बैठे हैं। मैम, मीडिया चैनलों पर काफ़ी कुछ दिखाया गया था, कितनी प्रतिशत सच्चाई थी उन बातों में? ऐसी बात है ना, अगर हम किसी छोटे बच्चे को 1 रुपया दे दें वो उसी बात पे चल पड़ता है। ये तो फिर भी मीडिया का काम है, सब पॉलिटिकल काम है, सब मतलब गवर्नमेंट जो कहती है वैसे चलता है सारा कुछ, सब बस पैसे के पीछे। मैम, समाज में आज गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा समाज में नशा बढ़ चुका है। जो आज का यूथ है, हम खुद देखते हैं कोई किसी कॉलेज में कोई यूथ जैसे होता है, सब नशे की तरफ जा रहे हैं। आज चारों तरफ ड्रग है, हम खुद भी देखते हैं जैसे कि रेप, जो आज नॉर्मल हो चुका है। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर आकर वचन सुनते हैं, यूथ यहाँ पर आता है तो वो बुरी आदतों से बचता है। गुरुजी आज नहीं है, जैसे हर मंथ हर वीक यहाँ पर सत्संग होती थी, लाखों हजारों लोग नशा छोड़ते थे, आज वो सब कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा। मैम, आप एक बींग अ गर्ल कितना सेफ फील करते हो अपने आप को? जितना सेफ यहाँ पर है आई थिंक बाहर इतना सेफ फील मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष है, बहन, वो हर एक लड़की को बहन समझेगा, हमारे से बड़ा है, वो अपनी बेटी के समान समझता है। बट जो आजकल जैसे बाहर लोग बोलते हैं कि डेरे में पता नहीं क्या कुछ है, यहाँ पर गुफा है उसमें पता नहीं क्या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बार अगर आके देखोगे तो सब पता चल जाएगा। समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, समाज के लिए कुछ किया है गुरुजी ने? कितने भलाई कार्य चलते हैं, खूनदान, पता नहीं कितने लोगों को यहाँ से खून मिला है, नई ज़िंदगी मिली है। अगर किसी को खून चाहिए तो डेरे में आते हैं, वैसे डेरे के बारे में पता नहीं लोग क्या कुछ बोलते हैं। सरकार से क्या अपील? सरकार से यही अपील है, अगर समाज को सुधारना है तो हमारे गुरुजी को वापस भेज। बहुत बहुत धन्यवाद।